अस्सलाम वालेकुम जी, हम ये थाना सदर खारिया में बैठे हुए हैं। ये हीरा का मसला था, ये हमारे SHO साहब भी बैठे हुए हैं, ये उनके अपने तबके के जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, तहफ़ मरकज के इंचार्ज और BSO भी बैठी हुई हैं। तो इन्होंने हमें क्या आपके SHO साहब ने कहा? हाँ जी जी सर, आपने क्या इसे तहफ़ दिया है अभी? मैंने जी इनको ये जो हमारे पास बैठी हैं हमारे बड़े हीरा सजाद हैं हीरा, इनको मैंने ये बात कही है कि आइंदा से जब तक आप खारियाँ में हैं हमारा काम लोगों को तहफ़ देना है और आप भी इस माशरे का अहम हिस्सा हैं, आप हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे बाकी पब्लिक है, उतनी ही काबिल एहतराम है। तो इनको हमने थाने का और मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 24/7। सिर्फ ये नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए मेरे दफ्तर के मेरे थाने के दरवाजे खुले हैं, आपको कोई भी इशू है कोई भी प्रॉब्लम है हम उसके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा IG साहब के हुक्म से तहफ़ मरकज़ गुजरात में काम कर रहा है जिसके BSO हमारे पास बैठे हैं, अगर कम्फर्टेबल हमारे से आप डिस्कस नहीं कर सकते तो BSO साहब मौजूद हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन हो बेटा, हीरा सर ने आपको गारंटी दे दी है? वो तो नहीं मुझे तंग करेंगे, नहीं वो भी नहीं तंग करेंगे। देखिए वो गुजरात हूँ, मैं भी अपना नंबर इन्हें दे के जाऊँगा, सबको दे के जाऊँगा, रात को कभी भी कोई इशू हो मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं इनका मसला हल करूँगा। कोई इसको मसला मसाइल कोई भी ये गुजरात आए कॉल करें, किसी टाइम भी हम इधर पहुंचेंगे जरूर। आज सेटिस्फाइड, उन्होंने कह दिया कि आपको जो पहले आए थे वो भी तंग नहीं करेंगे, कोई और भी तंग करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, SHO साहब जो